हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका अपने मंटू विद्या चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर परिवार के साथ आज मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहे होंगे। तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सदा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, जो भी आपके लाइफ में गोल हो आपका। तो अभी यहाँ पर हम आए हैं खुशी दीदी के ससुराल में, जो कि आप लोगों को ब्लॉगिंग के जरिए बताते रहते हैं। तो नहा धो करके हम लोग भी तैयार हो गए हैं मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए, क्योंकि आज खुशी दीदी नहा धो नहीं रहती तो उनको जबरदस्ती तैयार करवाए हैं, क्योंकि जीजा का पता चला है। वो मंदिर पे है, जीजा के घर का ही एक मंदिर है जो लगभग 200 मीटर दूरी पर होगा यहाँ से, तो वहीं पर जीजा हैं। तो हम कहें कि फिर टेंशन लेने के, सही हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो अभी ससुराल में आई है, मान लीजिए यहाँ पर त्यौहार नहीं मनाएंगी तो इनकी जेठान है, बच्चे हैं, सब परिवार है, सब क्या कहेंगे। तो जबरदस्ती उनको नहला धुला करके तैयार कराया गया। हमके तैयार हो जाइए, इसके बाद आएंगे ना। कब तक जीजा वहां पर रहेंगे? शाम तक आएंगे, दोपहर तक आएंगे, जब भी आएंगे बात किया जाएगा। नहीं आएंगे तो हम लोग चलेंगे वहां पर, क्योंकि ये ससुराल है तो दीदी हर जगह नहीं घूम सकती है ना, इसीलिए बेचारी इंतजार कर रही है। तो अभी नहा धो करके हम भी रेडी हो गए हैं और चल रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, हम लोग गर्म गर्म पानी से नहाए हैं। तो दोस्तों ये है दीदी जो कि बैठी हुई है तैयार हो करके, और बहुत कहने पे तैयार हुई, आप लोगों को बता ही रहे हैं। और मान लीजिए कि घर में जेठान उठाना भी यहाँ आकर के उतने दूर से अगर नहीं मिलते तो सब लोग उदास होते। जीजा का पता है, मंदिर पर है, तो सब लोग त्योहार मना रहे थे, तो यहाँ पे उदास बैठने का कोई मतलब था नहीं। वो लोग बुरा मानते कि रोज कुछ ना कुछ इनका झगड़ा हुआ रहता है। तो फाइनली सब लोग कहीं हुई है तो नहाए धोई है, बैठी हुई है और कुछ खा पी नहीं रही हैं, मगर हम लोग कह रहे हैं। तो अब आप ही लोग इन्हें समझाइए कमेंट करके, ये जो है उदास बैठने से कुछ होने वाला थोड़े ना। चलेंगे हम लोग मंदिर, जीजा को घसीट के लेके आएंगे, ठीक है ना। और बैटरी वाला बुक करेंगे ये रिक्शा और उसे लाद के लेके चलेंगे, ठीक, बक्सर, ठीक ना दीदी। टेंशन मत लीजिए, गोविंद भैया को भी उन्हीं को भेज के मंगाया जाएगा, ठीक, मंदिर से घर। अब परी का तो पूछिए मत, वो तो अपने पापा से मिल ली मंदिर पे जा करके, तो बहुत खुश है, एकदम मस्त है वो, नहीं तो रो रही थी। और बस खुशी की बात ये है कि जीजा पता चल गया, नहीं तो दीदी बहुत उदास थी, अभी भी उदास है। सोच रहे जब तक मैटर सब खत्म नहीं हो जाता, बातचीत नहीं हो जाता, झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, तब तक खुश नहीं होगी। मैटर खत्म होने के बाद नहीं, हाँ दीदी, कौन इस इंसान बात उनके पीछे इतना पड़ा है। ये भी बात सही है, सबसे तो पूछा जाएगा जीजा से ना कि कौन है, जीजा से पूछा जाएगा, बताएंगे ना, नहीं बताएंगे तो फोन वोन सब ले लिया जाएगा, चेक किया जाएगा, हम लोग चेक करेंगे, 24 घंटा रखेंगे, देखेंगे किसका किसका फोन आ रहा है। हम ना जाएंगे ना, तो लग जल्दी तब का, हाँ तब तो गड़बड़े है, लोग लॉक ना बतावेला, हमार सब मोबाइल के लॉक, अकाउंट के लॉक, सब चीज के लॉक सब जानेगा। पवन सिंह के गनवा एकदम बढ़िया सटीक बैठ गया है, एगो पगली तो पागल बनवले भैया जीजा को। कोई है पैसो दे ना, हाँ एक दिन हम 4,000 डालने आए, कहो रुपया ना दे आई, आ जोड़ा देने की एनी एनी होनी एनी एनी को दे आई, हाँ तो देते ही होंगे, उसमें क्या है, कोई दो रात नहीं। जही हम के पोल खुल जाए जी, हम जान जाए ना, तो या उहे रहिए कि हम ही रह, बस ये जानते नहीं और ये कुछ नहीं जानो। सही बात है, ये खिचड़ी के त्योहार वा खुशी खुशी मना ले और गरीब आ, क्योंकि क्या है कि आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, ये चीज नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी हो, चाहे जो हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हम किसी की भी बात कर रहे हैं। अगर आदमी किसी का हस्बैंड जान जाएगा कि मेरे वाइफ का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, तो आदमी भी वैसा ही व्यवहार करेगा, झगड़ा करेगा, मारेगा, पीटेगा, छोड़ देगा। और अगर किसी औरत को पता चल जाता है कि हमारा पति किसी और लड़की से, औरत से बात कर रहा है, उसके चक्कर में है, उसका अफेयर है, तो उस औरत पे क्या बीतती है वही जानते, क्योंकि वो तो छोड़ देगी तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब भी रहता है। तो आदमी कुछ ज्यादा इस चीज के गुरूर में रहते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो भी ये वीडियो देखे, प्लीज आप लोग अपने घर परिवार के साथ कोई भी ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। हम जानते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं क्योंकि अपने फैमिली से ही नहीं, लेकिन दही चूड़ा ना खाएंगे,
हाँ जीजा दही नहीं खाते हैं, उन्हें दही नहीं पसंद है, तो बस यही कहेंगे। तो इनको भी पता चला तो इनको दुख हुआ कि इन्हें जो है कि मतलब किसी लड़की से ना दुख सही ना आज साल भर तो इनका भी दुख अपनी जगह सही है, क्योंकि कोई भी आदमी रहेगा तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कैसे बर्दाश्त कर रही दीदी यही जानती है। हम करो तो नहीं लगी, नहीं वही चीज ना, अगर दीदी कर लेंगी तो पता चलेगा घर भर इन पे उंगली उठाएंगे। जीजा सात भाई हैं, पहले तो घर वाले एकदम घर जो घर में आके बैठी है ना तो बैठते भी नहीं देंगे। जीजा मतलब सात भाई है, पता चलेगा सातों लोग एकदम तैयार हो जाएंगे लड़ने झगड़ने के लिए। और आज जीजा ऐसा कर रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं कि सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है, सब इन्हीं को गलती ठहरा रहे हैं। तो क्या यही होता है कि कहे के तो आप एक गाना है दोस्तों कि कहे के तो सबे केहू आपन आपन कहाए वाला केवा। तो जब अपना ही पति नहीं है साथ में तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है, ठीक। क्योंकि ससुराल में पति के रहने पर ही वजूद होता है, उसके ना रहने पे कोई वजूद नहीं होता है। तो वही हाल है, आज जीजा नाराज हैं तो समझ लीजिए इनका भी हाल कुछ वैसे ही है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और बस आप लोग से यही दुआ करते हैं कि कमेंट करके बताइए कि खुशी दीदी करे तो क्या करें। दीदी हमारे पति को हमको खुद भरोसा नहीं रहता, सोच लीजिए। सो बात कीजिएगा, ऐसा एक राज हम छिपाए हैं, किसी दिन बताएंगे जरूर, इसी वक्त बताएंगे कि लोग को जल पता चले कि सच बात है। सब लोग देखे हैं, सब लोग उस चीज को सब लोग देखे हैं, लेकिन एक नहीं होता है कि इधर से पकड़ेंगे तो कान पकड़ रहे हैं और इधर से पकड़ेंगे तो कान पकड़ रहे हैं। चाहे हाथ नीचे से ले जाइए चाहे हाथ सर के ऊपर से, बात कान पकड़ बताएंगे आप लोग को। देखिएगा हम अभी सोच में है कि सच बात है कि झूठ बात है। और अभी 80% दीदी कंफर्म है, अभी 20% इन्हें उम्मीद है कि नहीं ये सही नहीं बात है। तो हम चाहते हैं कि जो 20% उम्मीद है वो 100% में कन्वर्ट हो जाए और दीदी का ये जो उम्मीद है वो ना टूटने पाए ना, और ऐसा कुछ ना निकले। काहे जो चीज चल जाला वो वापस लौट के ना आए। हाँ ये तो बात है, विश्वास चला जाता है, भरोसा चला जाता है, एक बार वापस कभी ना। अगर भरोसा एक बार टूट जाता है तो भले रिश्ता कितना भी अच्छा है, बार बार अगर कभी भी कुछ ऐसा होता तो आदमी विश्वास नहीं कर पाता है। तो बस आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अगर आप लोग दीदी की जगह होती तो क्या करती है, और अगर दीदी इस जगह है तो क्या करें, अपने लाइफ के बारे में क्या करें, क्या डिसीजन ले, आप लोग कमेंट करके बताइए प्लीज। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। और अब यहीं पे ब्लॉग बंद करेंगे क्योंकि अब चल रहे हैं कुछ त्यौहार व्यौहार मनाएंगे, इधर खाएंगे पिएंगे, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। देखिए हमारी दीदी अब चावल छूने जा रही है, जो कि हम लोगों के यहाँ परंपरा है चावल छुआ जाता है खिचड़ी दिन नहा धो करके, तो अब हम जा रहे हैं चावल छूने, इसके बाद खाएंगे पिएंगे। ये सब चावल वाक के ले जाए दीदी, ये सब परिवार के सारे लोग जब छू लेंगे तो पंडित जी को दिया जाएगा। तनी गोल लगा बुके का लाग रहा, हम तो ना लगा नहीं हो दीदी। जय हो सूर्य देवता। देखिए 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 इसे चला। तो अभी हम लोग चावल छुए हैं, चावल छू के अभी सब घर घर में बहुत लंबी फैमिली है दीदी की, तो इतना सारा चावल हो जाएगा तो पंडित जी को दान दिया जाएगा और पंडित जी ले करके जाएंगे। इसमें दाल नमक हल्दी सब कुछ मिक्स करके दिया जाएगा, केवल चावल नहीं दिया जाएगा, मतलब खिचड़ी वाली जितनी चीजें होती है आलू गोभी जो भी होता सब कुछ दिया जाएगा और पंडित जी लेकर के जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं चाय में पीते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चाय भी आ गया है और चल रहे चाय पियेंगे और इसके बाद फिर व्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं बताते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए जीजा का कुछ पता चला कि जब मंदिर पे है तो दीदी कुछ खुश है यार, इनको बहुत समझाया है कि मतलब जीजा पता चल गया ना उनको लाया जाएगा, ये नहीं जा सकती ससुराल में, हम जा सकते हैं मंदिर ना लेकर के आएंगे उनको। परी को कितनी नौटंकी कर रही, मम्मी के गोद में सर अपना रख करके इसको भी खूब नौटंकी सूझ रहा है। पापा से अपने मिली है ना, मंदिर पे गई थी पापा से अपने मिल लिए तो बहुत खुश है। देखिए नहीं कल से बहुत रो रही, देखिए गाड़ी चलाती है मैडम, देखिए हीरा मोबाइल देखने लगी। तो हम लोग बहुत खुश हैं आज, और दीदी को समझाया भी जाए तो हम कह गया आप भी खुश रहिए, जीजा मिले है ना, चल के समझाया जाएगा, टांग के लेकर बक्सर चला जाएगा। तो जो है लेकर के अब यही सब खिचड़ी मनाएंगे, अभी चल रहे यहाँ पर खाना नहीं बनता है, मतलब यहाँ पर खिचड़ी नहीं बनता है खिचड़ी के दिन, यहाँ सब लोग बिहार में
दही चूड़ा खाते हैं, तो अभी दही ढेर सारा जमाया गया था, तो अभी दही चूड़ा खाया जाएगा, तो इसलिए आज खाना खाने को नहीं मिलेगा, भले नाक बह रहा है तो क्या हुआ, दही चूड़ा ही खाना है। तो की बात अच्छा रहा था, लेकिन औरी वो रहती तो औरी अच्छा, हाँ जीजा रहते तो और अच्छा रहता, पूरा बहुत अच्छा फैमिली है दीदी का यहाँ ससुराल में, और लेकिन थोड़ा सुबह दीदी का बहस हो गया था खिचड़ी उचड़ी को लेकर के, इनके मायके से खिचड़ी नहीं आया था, नहीं फैमिली बहुत अच्छी है इनकी, और सारे बच्चे भी बहुत क्यूट हैं इनके जेठानी के, सब बाबू को लेके खिलाते रहते हैं, अगर जीजा रहते यहाँ पर घर आते तो और मजा आता, क्योंकि दीदी उन्हीं को वो झगड़ा वगड़ा की है तो थोड़ा उदास चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। और बस हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारी दीदी का रिश्ता जो भी है वो सुलझ जाए, जो भी मैटर है झगड़ा झंझट जो भी है सब खत्म हो जाए, और ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हंसी खुशी ये लोग रहें, और इससे ज्यादा क्या ही जरूरत है। और चल रहे हैं संक्रांति मनाएंगे, दही चूड़ा उड़ा सब आया हुआ है, बहरहाल अभी तो हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद देखते हैं।